आप लोगों को ये सबको पता है कि मैं ओशो से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने क्या ओशो का संन्यास लिया हुआ है। तो ओशो के यहाँ जो स्वामी जी चलाते थे, जिन्हें हम बड़े स्वामी जी के नाम से जानते थे, कल उनका महापरिनिर्वाण था। कल उन्होंने शरीर त्याग दिया था। मृत्यु को कोई आदमी स्वेच्छा से भी स्वीकार करता है, उन्होंने स्वेच्छा से ही किया। उससे 3-4 दिन पहले ही हमने उनका 90वां जन्मदिन यहाँ मनाया था। मैं कैसे जुड़ा, क्या था कि जब मैं यहाँ तैयारी कर रहा था तो मेरा सिलेक्शन तो हुआ नहीं। इंटरव्यू में दे आया था कई एग्जाम्स के, तो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पढ़ने पढ़ाने लग गया, इंस्टीट्यूट भी शुरू कर दिया। तो उस समय मेरी एक आदत होती थी एक्सरसाइज करने की, योग करने की, दौड़ने भागने की। तो मेरी शादी नहीं हुई थी लेकिन तय हो गई थी। तो एक दिन मेरे से किरण ने ये कहा कि सर आप डायनामिक मेडिटेशन क्यों नहीं करते। मैंने कहा ये डायनामिक मेडिटेशन क्या होता है, क्या आप करके देख लो। तो मैं जाती हूँ ओशो में। तो मेरे को लगा यार ये लड़की ओशो में जाती है। अच्छा मेरा भी परसेप्शन लगभग खराब ही था, फिर भी मेरे मन में आई चलो ठीक है। तो मैं मोटरसाइकिल लेके वहाँ चला गया, सुबह जीन्स टी शर्ट पहन के मैं सुबह सुबह चला गया। और देखा तो मैं थोड़ा लेट गया 10 मिनट। तो 10 मिनट लेट पहुंचने पे वहां चीखना चिल्लाना रोना ये सब चल रहा था, तो मैं समझ ही नहीं सका। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि देखो कैसे पागल लोग हैं, यार ये डॉक्टर हैं और मेरा जो साला था वो भी डॉक्टर, तो बोले कि ये सब इस तरह लगे हुए क्या कर रहे हैं ये। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी वहां जो बुजुर्ग थे उन्होंने देखा कि कोई यहाँ आके बैठा है पीछे, तो उन्होंने मुझे इशारा किया किधर आओ। मैं उनके पास पहुंचा, बोले किसके साथ आए। तो मैं वो डॉक्टर साहब की तरफ इशारा किया, उन्होंने रेफरेंस दिया है, बोले बोले अंदर आओ, अभी यहाँ नहीं बैठना है, मुझे जीन्स टी शर्ट पहन के नहीं आना है। फिर वो कंप्लीट हो गया। फिर मुझे उन्होंने समझाया, बोले इसके 5 चरण होते हैं। पहला चरण श्वास फेंकने का है, इसमें पूरी शक्ति से श्वास फेंकते हैं तो आपके जो विचार हैं बेतरतीब हो जाते हैं, और फिर विचार इतने ज़्यादा बेतरतीब हो जाएंगे कि वो विचार आपके सामने आ जाएंगे। तो वो सेकंड चरण है, तो उसमें आपका अपने स्वाभाविक तौर पर चीखना हो सकता है, चिल्लाना हो सकता है, रोना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसा मन जैसा भाव आ रहा हो वैसा करना चाहिए। और फिर तीसरा चरण शुरू होगा, उस तीसरे चरण में फूकी आवाज से कूदना होता है, फूकी हू करके कूदना होता है ऊपर हाथ करके। तो जब ये आप करेंगे तो ये आपका एक एनर्जी सेंटर है, उस एनर्जी सेंटर पर चोट पड़ती है तो जो रिजर्व एनर्जी है वो आपके शरीर में प्रवाहित होती है, जिसका आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और फिर बीच में आवाज आएगी, एक बार ये सब होता रहेगा तब स्टॉप। स्टॉप की आवाज का मतलब है कि जैसी भी मुद्रा में है वैसे ही रह जाएगी, जैसे हम ये यूं करके आंख बंद होती है तो बिल्कुल ऐसे ही रह जाइए 15 मिनट तक। आपको आपका थूक भी अंदर नीचे नहीं आना चाहिए, उससे ये संकल्प का भाव जगेगा कि आप कितने संकल्पवान हैं। दूसरा, 3 पहले चरण तैयारी थे मेडिटेशन की, ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब है जागरूकता, बहुत जागरूक होना। तो उस समय बहुत थक चुके होते हैं, तो उसके बाद ये, और फिर उसके बाद 10 मिनट का डांस है। और वो डांस में ये भी, डांस में भी आपको जागरूक रह के कि हमारे हाथ किधर जा रहे हैं, हमारे शरीर में क्या हो रहा है, सब ये सब देखना। इस तरह के 5 चरण उन्होंने बता दिए। और ये इनमें नहीं है, एक गाउन पहनना होता है, उस गाउन में ही करना होता है। ये गाउन मतलब ढीला होता है ऊपर से, उसमें कोई बांधने की जगह नहीं होती, तो ये पहन के ही करना होता है। फिर मैंने वो शुरू किया, दूसरे दिन से ही मैंने शुरू किया। और नेक्स्ट डे गाउन तलाशा कहाँ मिलेगा क्या है, और दूसरे दिन किया। फिर मैं कंटिन्यू करता रहा 3 महीने। उन्होंने कहा 3 महीने संकल्प से करना, लेकिन सच ये है कि 10-12 दिन बाद ही इतनी हालत खराब हो गई, गला बिल्कुल चौक हो गया, सारे पैर जाम हो गए। तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब पे उस समय भी चलता था और भी प्रवचन चलते थे, तो मैंने सुना ओशो को। तो ओशो ने कहा कि आपके जिन अंगों में दर्द हो रहा है वो दर्द इसलिए हो रहा है कि वो अभी बीमार है, और जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर आपके कोई दर्द नहीं हो। मैंने कहा ऐसा क्या स्वास्थ्य में, तो इतनी सारी एक्सरसाइज करता हूँ, यहाँ सारा फेल हो गया। फिर
कुछ दिन बाद धीमे 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 ये धीमे यही हुआ। पहले 2 मिनट ही श्वास क्रिया नहीं होती थी, अभी 10 मिनट की श्वास क्रिया बहुत तेज करनी होती है, उसी में बहुत पसीना आ जाता है, कभी ऐसा नहीं होता कि बीच में रुक जाए। दूसरा चरण उससे भी तीव्रता का है, उसमें भी उतने ही तीव्रता में रहते हैं। तीसरे चरण में जो हु का मंत्र करना होता था, हु नाम से कूदना होता था, मेरे से 1 मिनट भी नहीं होता था, अभी 10 मिनट 12 मिनट का है वो, तो उसमें कभी स्टॉप नहीं होते। और स्टॉप में भी हाथ, पहले तो हमारा ये होता था हाथ ऊपर तो खट से हम अपने आप ही नीचे कर लेते थे या हम लेट जाते थे। फिर एक दिन स्वामी जी ने पकड़ लिया, बोले लेटना नहीं है, जैसे हो वैसे ऊपर ही हाथ रख दे, तो रखे थोड़ी तो फिर थोड़ी देर में आ जाते थे। अब ऐसा नहीं हो, तो मैं ये मानता हूं कि उससे शायद 50 गुना ज्यादा एनर्जेटिक हुआ मैं, डायनामिक से ऐसे जुड़ा। स्वामी जी के संबंध में जिनका कल महापरिनिर्वाण था, ये बात है, मैंने जब जाना शुरू किया तो एक आश्रम है यहाँ छत्रपुरा के नाम से, 7-8 बीघा जमीन में आश्रम उन्होंने बनाया हुआ था, वहीं फिर उन्होंने बोले सन्यास का भाव आ रहा हो तो सन्यास ले लो। मैंने क्या है सन्यास जानना, और फिर मैंने उन्हीं से सन्यास ले लिया। सन्यास का मतलब है उसको आपको एक प्रॉमिस देनी है कि 1 घंटा प्रतिदिन आपको अपने लिए निकालना है, ध्यान करना है। तो ध्यान करना प्रारंभ किया और तब से नियमित मेडिटेशन करते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान का संबंध है कि जैसे इस पे आज ही एक प्रवचन सुना मैंने, बुद्ध कभी प्रवचन दे रहे थे, 10,000 लोग उनके सामने बैठे थे, जो सबसे सामने सामने बैठा था उसको सुना रहे हैं ये प्रवचन जो वो सुना रहे थे उसी। तो एक आदमी का अंगूठा हिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा अंगूठा क्यों हिल रहा है? उन्होंने कहा आप तो अपनी बात करिए, कहाँ बेकार की बातों में पड़े हुए, अंगूठा हिल रहा है, आप अपनी बताइए। बोले ना, पहले आप तो ये बताइए अंगूठा क्यों हिल रहा है? बोले मुझे नहीं पता क्यों हिल रहा है, अपने आप हिलना शुरू हो जाता है, पता नहीं चलता। तो बस बोले मशीन हो आप, आपको पता चलना चाहिए हर चीज। तो खैर उसमें प्रवचन का सार तो ये है, उसको कह रहे हैं कि आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखिए। खाना खा रहे हो तो खाने में ही डूब कर खाना खाइए, चल रहे हो तो चलने में ही रहिए, बात कर रहे हो तो बात ही करिए, हाथ उठा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका हाथ उठ रहा है। उसमें एक संस्मरण और उसने सुनाया बुद्ध का, कि बुद्ध के एक बार नाक पर मक्खी बैठी तो उन्होंने हटा दी, तत्काल उन्होंने आनंद को कहा, आनंद गलती हो गई कि मैंने बेहोशी में मक्खी हटा दी, फिर दोबारा से हाथ वहीं लेके गए, अब मैंने होश पूर्ण हटाया है। तो चूंकि बुद्ध तो हर क्षण होशपूर्ण तरीके से जीते थे, बोले जब आप होशपूर्ण तरीके से जीते हो ना, फिर वो वही होता है जो आप चाहते हैं, तब फिर आप परमात्मा भी बन जाते हैं, भगवान भी बन जाते हैं, और कोई भगवान बाहर नहीं बैठा है। ऐसे करके ये देशना से जुड़ा, ध्यान से जुड़ा। उसी की वजह से जो चीजें मैं अपने कॉम्पिटिशन में उपलब्ध नहीं कर पाया, नहीं मिली मुझे, लेकिन इंस्टीट्यूशन के तौर पर सब मिला, उससे भी ज्यादा मिला। स्वामी जी प्रथम बैच के आरजेएस थे, कौन से बैच के, उसमें 13 लोग सेलेक्ट हुए और उसमें स्वामी जी सेलेक्ट हुए, शायद फर्स्ट सेकेंड ही उनकी रैंक थी, फर्स्ट ही थी जिनकी कल जिन्होंने शरीर त्यागा, तो पहले आरजेएस के। और वो 40 वर्ष की एज में बूंदी के डिस्ट्रिक्ट जज बने, प्रिंसिपल डीजे बने। उससे पहले कभी कांकरौली में उनकी पोस्टिंग थी ACGM, तो सारे लोगों ने ये कहा जो वकील थे कि सर आज छुट्टी कर दो, अकेली कोर्ट थी उनकी। बोले क्यों? बोले इसलिए छुट्टी कर दो कि ओसो आ रहे हैं और उन्हें सुनने हम जाएंगे माउंट आबू। तो वकील बोले आप भी चल चलो, तो कहने लगे तो ठीक है, मैं, मेरी बेटी और मेरी पत्नी, हम तीनों ही चलते हैं। तो बस कर ली थी उन्होंने, बस से वो लोग वहां चले गए, मजिस्ट्रेट थे ओसो से मिले, फिर और मुलाकात हुई। जब बूंदी में डिस्ट्रिक्ट जज थे तब उसने पूछा उनको कि अभी पेंशन हो गई आपकी? बोले पेंशन के लिए एलिजिबल हो गए? बोले हाँ। तो बोले छोड़ दो जॉब। उन्होंने वहीं से त्याग पत्र लिखकर भेज दिया और जॉब को छोड़ दिया। जब जजेस कम थे, 2 हाईकोर्ट जज पूना गए उन्हें मनाने के, नहीं आपका तो हाईकोर्ट जज में एलिवेशन है, अभी आप कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं, अब मैं वापस नहीं, छोड़ दिया। बाद में उस अमरीका चले गए, अमरीका इसलिए चले गए क्योंकि उनकी देशना को लोग यहाँ उस रूप में नहीं समझ रहे, और बोले कि अमरीका में जाके लोगों को जल्दी समझ में आएगा क्योंकि उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो वो वहाँ चले गए। जब वो वहाँ चले गए तो
ओरिगन में रजनीशपुरम के नाम से वहां आश्रम बनाया। आश्रम सारे सन्यासी ही बना रहे थे और सन्यासियों ने ही सैकड़ों की संख्या में गिफ्ट में रोल्स रॉयस, जो दुनिया की सबसे महंगी कार है, वो ओशो को गिफ्ट की। और बहुत सारे सीनेटर्स ओशो के आश्रम में सन्यासी हो गए। इससे अमेरिका में एक गड़गड़ाहट पैदा हो गई, पता नहीं ये क्या चीजें सिखा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि इनको यहाँ से ले जाइए। तो फिर उन्होंने ओशो को 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए के करीब करीब 7 दिन के लिए अरेस्ट भी किया। फिर ओशो को वहां से भेजा गया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब, राजीव गांधी भी गए। फिर ओशो वापस आए और फिर पूना में उन्हें वहीं रहे। तो स्वामी जी, जिन्होंने वैसे तो उनका मूल नाम रंजीत भंसाली था, लेकिन उस समय क्या होता है, नाम जब संन्यास लेते हो तो पुराना नाम आपको एक तरह से त्यागना होता है। तो उनका जो नाम था अद्वैत बोधिसत्व, स्वामी अद्वैत बोधिसत्व। जैसे मेरा संन्यास हुआ तो मेरा भी नाम अलग मिला। मैंने संन्यास जो कल स्वामी जी चले गए उनसे ही लिया। जब उनसे नाम लिया तो मेरा नाम आया। नाम की अलग प्रक्रिया है, स्वाभाविक तौर पे आते हैं वो नाम। तो उसमें मेरा नाम आया स्वामी अनंत आकाश। अब क्या हुआ कि जब अनंत पैदा हुआ तो उसका नामांकन होना था 13 फरवरी को। स्टारडस्ट में हमने एक जगह है, होटल है, उसके ऊपर रखा। तो चूंकि मैं उससे जुड़ गया, लेकिन पूरा परिवार तो जुड़ा नहीं है और किसी को दबाव डाल के जोड़ा भी नहीं जा सकता, और जितनी समझ उसी हिसाब से लोग जुड़ते हैं और जोड़ना भी नहीं चाहिए। तो पंडित जी बोले इसका नाम अनंत निकला है। मैंने उनके कान में कहा कि अनंत की जगह कोई और नाम कर दो, क्योंकि मेरा खुद का नाम स्वामी अनंत आकाश है। बोले आपका रहा होगा, इसका अनंत आया है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। तो उसका भी नाम अनंत। अभी वो 2.5 साल का है। कल जब वो प्रोग्राम था तो स्वामी जी का जो ध्यान मंदिर है वो उसी स्कीम में है। वहां से नाचते गाते हुए सैकड़ों की संख्या में, बल्कि बहुत ज्यादा संख्या में थे, सारे सन्यासी थे जयपुर में, और बहुत सारे लोग जो जयपुर से दूर से भी थे वो भी सब आ गए थे। तो वहां से वहां तक विधानसभा के पास जो शमशान घाट है वहां तक लेके गए। तो उसने कई चीजों को बिल्कुल तोड़ दिया। जैसे सामान्य तौर पर महिलाएं लड़कियां शमशान घाट में नहीं जाती हैं, लेकिन वहां सब लड़कियां भी थीं, महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, और सबसे छोटा बच्चा अनंत ही था। अनंत तो 2.5 साल का है, वो भी था। और जब चिता जल रही थी तब सूक्ष्म शरीर, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जब जा रहा होता है बार बार प्रवेश करने की कोशिश करता है अपनी बॉडी में, उसे विदा करना है हंसते गाते। इसलिए रोना नहीं चाहिए, और रोगे तो हो सकता है कि वो भूत भी बन जाए, बिना शरीर का आत्मा घूमती रहे। तो बेहतर है कि जिसको विदा कर रहे हो अच्छे से विदा किया जाए, हंसी खुशी विदा किया जाए, जिससे कि उसकी जीवन यात्रा कहीं दूसरे गर्भ में प्रवेश करके फिर आगे चले। तो ऐसा उसने बोला है। तो वहाँ अच्छा नाच गाना भी हो रहा था, और उसके बाद 2 ध्यान वहाँ हुए ओशो की आवाज में। बहुत बढ़िया ध्यान हुए, अमेजिंग स्थिति थी। एक बार जो स्वामी जी थे उन्होंने पूछा ओशो से कि स्वामी जी, जो मेरी बेटी है, वो बेटी का जो दिमाग है चाइल्ड जैसा ही है, लेकिन बेटी की उम्र हो गई है और ये पीछे रह जाएगी। बोले हम दोनों चले जाएंगे और ये पीछे रह गई तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोले कि सबसे पहले प्रिया जाएगी, फिर कृष्णा जाएगी जो माँ थी, और फिर आप जाएंगे। आप देखो सीक्वेंस यही रही, पहले प्रिया गई, और बच्चे का दिमाग था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतनी सुंदर पेंटिंग करती थी। अभी ध्यान मंदिर में सारी जो पेंटिंग लग रही हैं वो पेंटिंग उन्हीं के हाथों से बनी हुई है। तो वो पेंटिंग जो लगी हुई है ध्यान मंदिर में माँ प्रिया की है। माँ का मतलब है जो जन्म देती हो। वहां कोई लड़की भी होती है तो उसने ये देशना दी है कि जो लड़की भी है उसको भी माँ बोलते हैं, और लड़का जो लड़का हो आदमी हो उसे स्वामी।
तो जैसे मुझे सारे बोलते हैं तो वहां स्वामी जी ही बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ तो स्वामी जी। और जो भी कोई लड़की है, चाहे कोई कितनी भी उम्र की है, तो उसको माँ बोलते हैं। तो यही व्यवस्था उनकी रही, तीन ही जने थे। और ध्यान डायनामिक मेडिटेशन 40 वर्ष से चल रहा है। माँ प्रिया ने जब शरीर छोड़ा तो उनकी बॉडी रखी थी, तो भी उस समय भी डायनामिक मेडिटेशन किया। माँ जब गई, माँ कृष्णा गई, तो भी उनकी बॉडी रखी थी, तो भी ध्यान हुआ। जब स्वामी जी रात को 1:50 पर शरीर त्याग रहे थे, तब उन्होंने कहा कि सुबह डायनामिक जरूर करिएगा, मैं अब जा रहा हूँ। मौन करके वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो सुबह डायनामिक हुआ, इतने दिन से डायनामिक चल रहा है। तो कल इसी वजह से मैं नहीं आ पाया था। कल की वो जो एक उत्सव था, उत्सव इसलिए कि उसने कहा है कि मृत्यु एक उत्सव है, और उनकी प्रवचन माला है मैं मृत्यु सिखाता हूं, क्योंकि मृत्यु की तैयारी कोई नहीं करता, मृत्यु की भी तैयारी करनी होगी। मृत्यु तो होगी होगी, तो मृत्यु की तैयारी का मतलब है एक जागरूक 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 बनते चले जाएं। और जब मृत्यु हो रही हो तो ये भी देख लें, आप ही तय कर लें कि आप वापस आना है या नहीं आना है, और कौन से गर्भ में प्रवेश करके किस गर्भ में जाके आपको जन्म लेना है, क्या करना है, वहां तक की जागरूकता की यात्रा। तो किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ और मेरी आत्मा ऐसे बाहर जा रही है और मैं इस गर्भ में प्रवेश कर रहा हूँ, तो उसे लगेगा कि मैंने मृत्यु हुई क्या उसको, उसे मृत्यु नहीं हुई, ये सारी देशना है उसको। तो इसलिए मैं कल नहीं आ पाया था, इसलिए बार बार मेरे पढ़ाने में, मेरी बातों में ये चीजें झलकती हैं, क्योंकि जो उनके संदेश होते हैं मैं व्यवहार में लाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ व्यवहार में आ गया है, नहीं आया, बहुत कोशिश के बाद भी नहीं आया। हर रोज होश साधने की कोशिश करते हैं लेकिन बेहोशी फिर पकड़ लेती है, फिर करते हैं फिर पकड़ लेती है, फिर करते हैं फिर पकड़ लेती है। लेकिन हाँ, परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आया है। तो मैंने आपको अपनी इस एक अलग टाइप की यात्रा के बारे में आपको बताया, जो आप लोगों को शायद जानकारी नहीं थी। उसने 108 प्रकार की ध्यान विधियां बताई हैं। सबसे मॉर्निंग की जो है वो डायनामिक मेडिटेशन है। अभी यहाँ पे भी हम शुरू करने वाले हैं, जीवन रूपांतरण केंद्र में, जो नई बिल्डिंग ऊपर शुरू होगा, तो उसमें करेंगे, तो उसमें आप लाभान्वित हो सकेंगे।